हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम देखेंगे एक भाई का रिक्वायरमेंट है, इनके एम्पलीफायर की आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। तो मैं बता दूं क्या प्रॉब्लम है यहाँ। उन्होंने वीडियो भेजा है तो मैं उसी वीडियो को देख करके बता रहा हूँ। दोस्तों, ये ड्राइवर बोर्ड है, इसमें जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा है वहाँ पर 100 ओम के दो रेजिस्टेंस लगे होते हैं। ये 4 ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर है, इसमें 30-55 लगा हुआ है, 4 पीस। तो आइए देखते हैं इस एम्पलीफायर के जो ये ड्राइवर बोर्ड है, इसमें जो प्रीसेट लगा है, 2 प्रीसेट जो ड्राइव करता है ड्राइवर ट्रांजिस्टर को, देखिए पुराना है और ये जंग लग चुका है जो करंट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाता, इसलिए इसकी आवाज़ जो है फटती है। और ड्राइव जो ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा है यहाँ छोटे छोटे लगे हुए हैं, हो सके तो इसके जगह पर 62 वन भी यूज कीजिए, क्योंकि 12 वोल्ट के ड्राइवर ट्रांजिस्टर के लिए अधिकतर 62-92 अच्छा होता है। तो ये ट्रांजिस्टर छोटे वाले निकाल करके यहाँ 62-92 यूज कीजिए, और प्रीसेट जितने ओम का है उसे नया लगाएं तो बेहतर होगा। और ड्राइवर ट्रांजिस्टर के जो इमीटर होता है, जो पावर ट्रांजिस्टर के बेस पर कनेक्शन उसका जाता है, वहाँ 100 ओम के रेजिस्टेंस का यूज करें। ये देखिए, ये वायर में थर्मिस्टर जोड़ा हुआ है, ये थर्मिस्टर का काम मैं एक वीडियो में बताऊंगा। ये थर्मिस्टर थोड़ा हीट होने पर प्रतिरोध पैदा करता है ताकि ट्रांजिस्टर हीट ना हो और जलने से बचाता है। इस थर्मिस्टर को ट्रांजिस्टर के पास जो हीट सिंक लगी हुई होती है वहाँ पर कसते हैं, हालांकि इसमें वायर लगाया गया है। देखिए, ये एम्पलीफायर ऑन हो चुका है, एम्पलीफायर ऑन है, पर इसकी आवाज़ फट रही है। आवाज़ तो मैं नहीं सुना सकता, पर ज़रूर इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगा। तो इसमें 54 वाट 4 पीस लगे हैं, और यहाँ पर जो ड्राइवर बोर्ड है इसमें 8 पीस लगे हैं। तो ये दूसरे एम्पलीफायर का ड्राइवर बोर्ड है, तो इसका कॉम्बिनेशन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम प्रॉब्लम यही सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि आप प्रीसेट को ठीक रखें, नया रखें, क्योंकि प्रीसेट ही आवाज़ की क्लियरिटी अच्छी करती है, बाकी इस एम्पलीफायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस पर 8 इंच या 12 इंच के आप दो दो स्पीकर बजा सकते हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं, यह लगभग 100 वाट तक अच्छा से काम कर जाएगा। तो आप इस ट्रांजिस्टर के जो पीछे जो ट्रांजिस्टर लगा है, पावर ट्रांजिस्टर के जो बेस है, उस पर 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाएं ताकि हमिंग ना आए। और उस पर एक पीएफ लगा होता है 104J। यहाँ देखिए, ड्राइवर बोर्ड में एक 100 ओम के रेजिस्टेंस पीछे बैक पैनल पर लगी हुई है जहाँ ये प्रिंट होता है, हालांकि इस तरह से नहीं लगाना चाहिए। इस रेजिस्टेंस को लगाने के लिए ऊपर से जो यहाँ देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर जस्ट इसके नीचे बगल में, आप यहाँ लगाएं तो बेहतर होगा। ये देखिए, ड्राइवर ट्रांजिस्टर अच्छा है, ये शायद 30-55 है। तो आप इस टाइप के 30-55 या 62-92 या अहूजा वगैरह कंपनी में 4007 आते हैं वो लगाएं तो अच्छा है। और देखिए, इस हीट सिंक के बगल में थर्मिस्टर यहाँ ब्लैक कलर की लगी हुई है कंडेंसर के पास में, और यहाँ देखिए प्रीसेट भी न्यू लगा दिया गया। तो ये शायद दूसरा ड्राइवर बोर्ड है, अच्छी बात है। तो आप पहले ड्राइवर बोर्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे ठीक करें, इसके बाद आप अपनी एम्पलीफायर की आवाज़ क्लियर कर सकते हैं। ड्राइवर बोर्ड में एक खासियत ये होती है कि अगर आप अच्छे से उसको रिपेयर कर सकते हैं तो आप एम्पलीफायर भी बना सकते हैं। यहाँ 100 ओम की रेजिस्टेंस जो पीछे लगा हुआ है इसे यहाँ से हटाएं और ऊपर से लगाएं, जिधर से कंपनी रिक्वायरमेंट करती है हमें उस साइड से ही लगाना चाहिए। बैक पैनल पर लगाने से ये हमें नुकसान हो सकता है, अगर कहीं टच कर गया तो पूरा ड्राइवर ट्रांजिस्टर ही जल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों रिक्वायरमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा।